2019 का सबसे बड़ा आतंकी हमला। देश ने की बदले की मांग। आतंक का सर्वनाश करे सरकार। तस्वीरें खुद में सब कुछ बयां करती है। पहले 12, फिर 20, फिर 37 और ना जाने कितने। पुलवामा के अवंतीपुरा में 2500 सैनिकों के काफिले पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने IED ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट में देश के CRPF के 37 सैनिक शहीद हो गए और कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन पुलवामा में शहीदों की शहादत के बदले जो मिला वो चौंका देने वाला था। एक तरफ CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला, तो दूसरी तरफ नेताओं के ट्वीट पर ट्वीट। देश में सियासी पारा गर्म हो गया और जो सामने आया वो थे नेताओं के ट्वीट। अब ना तो बातों का वक्त है और ना ही निंदा का, अब वक्त है तो बस बदले का। यूपी के शहीद हुए सैनिकों के परिवार ने सरकार से क्या मांगे रखी, आइए सुनाते हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम सरकार को और बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। लापरवाह सरकार है, किसी को वोट नहीं देंगे, सब बेकार है सरकार। हमला इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। धमाका इतना भयंकर था कि CRPF की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमले को लेकर देश में इतना गुस्सा भर गया कि कहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो कहीं पुतले फूके गए। कि आप 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 3600 सैनिकों को मारो, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि उनको अभी सर्जिकल स्ट्राइक से समझ नहीं आया। हम यही चाहते हैं कि अब आर पार के लिए बात हो। कहीं कैंडल मार्च निकाली गई तो कहीं मौन रखा गया। किसी माँ के आंसू नहीं थम रहे हैं तो कहीं शहीदों के मासूम बच्चों को ये तक नहीं पता कि घर में आखिर ऐसा माहौल क्यों बना है। सरकार भाई अब जो करे हम लोग उससे क्या कर सकते हैं। हक है तो मेरा हक कहाँ मिलेगा, कौन देगा, मेरा बेटा तो कोई देगा नहीं। कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार बड़ी लापरवाह है, कागजों में कार्यवाही करती है बस। लापरवाह सरकार है, किसी को वोट नहीं देंगे, सब बेकार है सरकार। कहीं किसी का सुहाग उजड़ गया है तो कहीं किसी बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया। लेकिन जिस घर का चिराग बुझता है उस घर में क्या बीतती है ये ना सरकारें जानती हैं और ना ही कोई विपक्षी दल। पहले अटैक और फिर अंधाधुंध फायरिंग। जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमले ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। इस खोखले सिस्टम पर इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक देश अपने वीर जवानों को इसी तरह खोता रहेगा।